खुश होकर के दसवें कलम बंद नाम दे धन्यवाद सर। इस इलाके से आ रहे शांति बनी हुई अब चैन है, लेकिन यहाँ किसने बुलाया सर? क्या कहा शेखर, तुम जिस इलाके से आ रहे हो वहाँ पर चैन हमारा और शांति है। क्यों नहीं? लेकिन यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। कैसा माहौल है सर? शेखर कहिए सर। तो जबरदस्त चंबलता है जिसके कांपे जमीन आसमान, लू हिल जाती सारी, और ये पुलिस फोर्स की भेज ताज से शराब से शेर सिंटा को चल की हवा खाएगा, शेठ बनिया शहर के बजाओ ना मेरा जिले में अलंकार के सामने सारी इज्जत पुलिस की हुई खाते, गोलियों का निशाना और पनावों से देखना कितना चाहते हो। आप चिंता करें ना, अरे किस बात की आप चिंता, फर्ज अपना निभाना है आता मुझे, मेरी नजरों से बच के अरे डाकू चाहे कहा वो आता है बोले। अरे ये हमारे भाई साहब, ये है सुंदर लाल प्रधान जी, और साथ में उनके हमारे भाई हैं अहबरन लाल। इस सीन पे खुश होकर के दसवें कलम बंद नाम दिया धनबाद। शेर सिंह उसके बाप को, शेर सिंह उसके बाप को लाऊंगा पकड़ कर, कदम में लेकर डाल दूंगा चालीम का। अरे पीरों की तरह जाओ, पीरों की तरह जाओ उस मैदान जंग में, आज शेर सिंह को जाकर रंग दो उसी का। अरे पिस्सा दिलाता सर मैं आपको, अरे पिस्सा दिलाता सर मैं आपको, फर्ज पे कुर्बान कर दो। अरे शर भरोसे की तमन्ना, शर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अरे देख रहा है चोर कितना पाचा। हेलो हेलो, ऐसे करवादा करता है कि शाम में कहने के नर शेर सिंह उसके साथ ही सब जेल की सलाखों के। अरे फिर वही छाया हो नाम सुंदर लाल प्रधान जी, उनके साथ दे रहे अहबरन लाल भैया। इस सीन पे खुश होकर के दसवें कलम बंद नाम दिए, और ये है हमारे भैया संजय भुड़कुला निवासी, ये भी 10 रुपया दिए हैं धन्यवाद। शाबाश शेखर शाबाश, मैं तुम्हारी बहादुरी की दाग देता हूँ, तुम्हारे दिल में इसी तरह से हौसले रहे तो शेर सिंह और उसके साथ ही बहुत जल्दी जेल की सलाखों। क्यों नहीं सर? और शेखर हमने सारे डाकू के नाम इस सीडी फाइल में दर्ज कर रखा है। हेलो फिर वही छह नाम, ये है सुंदर लाल प्रधान जी, उनका साथ दे रहे अहबरन लाल, 10 रुपए का कलम बंदी नामा है भाई साहब के लिए धन्यवाद। और ये रही उन डाकू की फाइल,
और शेखर कहिए सर, दो दिन की छुट्टी लेकर के जा रहा हूँ, जब मैं दो दिन के बाद वापस आऊंगा तो मुझे डाकू शेर सिंह और उसके साथी जेल के सलाखों में, अवश्य जेल के सलाखों के बीच होगी सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। और ये आगे हमारे भाई साहब सुंदरलाल प्रधान जी और महावीर, ये 10 रुपया कलमबंद इनाम दिन है। धन्यवाद। आपकी तारीफ, तारीख साहिबा 36 है। खबर तुम्हारी तारीफ पहुंचा रही, तुम्हारा नाम क्या तुम बताओ? तारीख 36। अगर कहीं बदतमीजी थाने में करोगे, ये क्या है? डंडा, डंडा तेरे पिछवाड़े डाल दूंगा और नीम शहर के 17 पे कर्मा करवा दूंगा तेरी माता का। हेलो, ये हमारे भैया महावीर, ये महावीर, ये शेखर इंस्पेक्टर के सिर पे खुश होकर के 10 रुपए स्पेशल नाम दिए हैं भाई साहब के लिए। धन्यवाद। क्या नाम है तुम्हारा? चौखैया चौकीदार। चौखैया चौकीदार, यस सर, ये नाम चलेगा। चला सलाम, तुम्हें आज तक सलोट मारना किसी ने सिखाया? नहीं सिखाया साहब, नहीं सिखाया। जाहिल के जाहिल हो, सब अपने से कोई बड़ा अधिकारी आता है तो इंसान जीचे के खड़ा होता है, वही से सलू मरदा जाए है इंसान। आज की गलती माफ कीजिए साहब, आज के बाद जहाँ ढांड होने करवा हूँ मार दिन करो। क्या सलोट? सलोट का नाम पहले नहीं ले पाते हो? हाँ सर, गलती हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम अर्रा बोर हवलदार, और तोड़े अर्रा बोर जिसको तोड़े उसको कोई नहीं। हेलो, ये हमारे भाई साहब संजय सिंह चमन खड़ा के रहने वाले हैं, ये इंस्पेक्टर साहब आपके सीन पे खुश होकर के स्पेशल इनाम दे रहे। धन्यवाद। अर्रा बोर हवलदार उर्फ तोड़े, अर्रा बोर जिसे तोड़े उसे आज तक कोई नहीं छोड़े। कितने मुलजिमों को तुमने तोड़ा है? थाने में जाता हूँ, जिस चौकी में जाता हूँ, जितने गुंडे बवाली बदमाश मिर्चे होते हैं जुआरी शराबी, उनको ऐसा तोड़ता हूँ, ऐसा तोड़ता हूँ कि दोबारा गुंडाई करने की कोशिश। हेलो, ये है महावीर, ये महावीर भैया इंस्पेक्टर के सीट पे खुश होकर के 10 रुपए इनाम दिए। धन्यवाद। रबोर ये बात बताओ, तुम लोग ड्यूटी कब प्लस से करते हो? हमको ड्यूटी करते हुए 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए? यस सर। इतने खोखा डाका अभी तक का अरेस्ट क्यों नहीं हुई? अरे साहब, ये खोखा डाकू कोई मामूली डाकू नहीं साहब, फिर इनका बहुत तलका मचा हुआ, इनके गिरोह में कम से कम 60-65 आदमी है, हम पुलिस जवानों का कमी होने के नाते। और ये आगे हमारे भाई साहब सुंदरलाल प्रधान जी, ये 10 रुपया इंस्पेक्टर के सीन पे खुश होकर के इनाम दिए भाई साहब ले। धन्यवाद। हम पुलिस जवानों की कमी होने के नाते गिरफ्तार करने जाते हैं, लेकिन उनको पकड़ने में नाकाम। लेकिन नया रबर शेर सिंह को पता चल जाएगा किसी बबर शेर से पाला पड़ा है। अरे वाह, आपके साथ में ड्यूटी करने मेरा हौसला बुलंद होता है, अगर डाकू लोग गिरफ्तार हो गए तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। और ये आ गए अहबरन, ये अहबरन भैया की तरफ से ये 10 रुपया इंस्पेक्टर को कलमबंद इनाम दे रहे। धन्यवाद। चंबल घाटी चलना है सर, कोई डाकू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। चौकीदार इधर आओ, सामने ड्राइवर से बोलो गैरेज से गाड़ी निकाले, तत्काल चंबल घाटी की तरफ दाव बोलना है। सर ड्राइवर, गाड़ी से गैरेज निकालो। नाइस, गैरेज से गाड़ी निकालो। भाई भाई भाई, चलो बड़ा पैदा आजा। लड़की बताओ किसने मारा तुझे? किसने मारा तुझे? नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ है बता? कौन पापी दशा? अरे बना तेरी है पिता कौन तेरा? कहाँ है बता? संजय सिंह सवन खड़ा के रहने वाले हैं,
ये इंस्पेक्टर साहब को 10 रुपए इनाम दे रहे, कहते भाई इंस्पेक्टर साहब इस लड़के का साफ इंसाफ होना चाहिए। बोल लड़की, ये हालत कैसे हो गई? मुझे इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शांति, कस्बा तिलहर की रहने वाली हूँ। शांति देवी कस्बा तिलहर की रहने वाली। मेरे पिता का नाम रामू। तुम्हारे पिता का नाम रामू? और दशा देख रहे हो आप, पूछो दशा किसने बनाई है, ये हालत किसने बनाई है? ये हालत बनाने वाला ठाकुर धर्म सिंह। ठाकुर धर्म सिंह? बेसहारा अनाथ हो तुम? मेरे परिवार में कोई नहीं। कोई तुम्हारे परिवार में? लेकिन ठाकुर धर्म सिंह तुम्हें कैसे मिल गया? मैं लकड़ियां काटने गई थी। क्या? मैं लकड़ियां बेच लेने के लिए काटने गई थी। कहने का मतलब लकड़ी, दिन भर लकड़ी काटते, शाम को बाजारों में बेचकर अपना खाने करती हूँ। और मुझे रास्ते में मिल गया, मेरी इज्जत लूटा, इज्जत लूट के मुझे गोली। नाइस, तुझे इंसाफ मिलेगा। चौकीदार, एम्बुलेंस वाला फोन कर सकते हैं। नहीं सही, नहीं। अर्रा बोर हवलदार, आज समय 5 साल ड्यूटी करते हो गए, कहीं इसले में, कहीं उछले में, कहीं उछले में, लेकिन ऐसा हादसा मेरी आंखों के सामने कभी नहीं आया। आपको 5 साल हो गई, हमको ड्यूटी करते करते पूरे पूरे 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। 12 साल, 12 साल में ऐसा केस कभी हम लोगों के सामने नहीं आया। बेसहारा बेचारी अनाथ लड़की और ठाकुर धर्म सिंह बेरही में से चल लुट कर जान से मार दिया। अरे राम राम, कितनी हिम्मत इसके शरीर में रही, गोली लगते हुए, जहर फैलते हुए, लड़खड़ाते हुए थाने तक आई। अपने बयान दे के दम को तोड़ा था। क्यों नहीं? एक एक चिल्ला चिल्ला के कह रही है साहब, हमें न्याय दिला देना, हमको न्याय चाहिए साहब। ये अनाथ लड़की है, अब हम तो ये कहेंगे इसको न्याय दिलाया जाए। इसे न्याय मिलेगा। रबोर, जिस दिन अपने शरीर पे वर्दी धारण किया था, तिरंगे के नीचे कसम खाया था कि ये वर्दी नहीं, ये हमारे लिए कफन है, मिट जाएंगे, इस वर्दी पे आंच नहीं आने देंगे, अपने देश के लिए मिट जाना ही मुझे मंजूर है। बस बस साहब, आपके साथ ड्यूटी करके हमारे हौसला बुलंद हो रहे। ये बेसहारा अनाथ लड़की है, क्यों नहीं, जिसका कोई सहारा देने वाला नहीं है, और हम तुमसे खुशामद कर रहे साहब, हमको न्याय चाहिए, इसका सहारा हम लोग बनेंगे। अरे वाह साहब, बहुत अच्छी बात। चौकीदार, चलो बाड़ी को सील करो, सील करके चील हाउस भेजो। क्या है? देखे, चलो फोटो खींचते। आप ऐसा वीडियो बनाओ ताकि दुनिया देख कर हैरान मान जाए। हेलो, ये है महावीर। ये महावीर भैया, ये 10 रुपए लौड़िया का कलम बंद इनाम देने हैं, कहते हैं धन्यवाद। हेलो, ये है सुंदरलाल प्रधान जी। ये सुंदरलाल प्रधान जी 10 रुपए स्टैंड पे खुश होकर के कलम बंद इनाम दिए, धन्यवाद।
खबर, चलो मोहर लगा दो। क्या कर दिया चौकीदार? जी सर। साहब, लाश के साथ आप भी तो जाएंगे। क्या हो रहा रबोर? हेलो, ये है महावीर। ये महावीर भैया 10 रुपया कहते हम रख दो कफन भैया धन। हाँ, खरे रबोर ड्रम तुम्हें ऊपर नहीं जाना है, इस बाड़ी को लेके चील होश तक जाना है। चल ले जा बाड़ी को, ले जाओ ले जाओ ले जाओ जल्दी ले जाओ। साहब। हेलो, ये हमारे भैया संजय, संजय भुड़कुला निवासी है, इस चील पे खुश होकर के 10 रुपए कलम बंदी नाम दिया धनबाद। अरे बोर तुल्म पर जुल्म धर्म सिंह कर रहा चर्म पर जुल्म, और धर्म सिंह कर रहा फंस गया कानून के जाल में, भूल जाए जमींदारी अरे करना यदम डाल कर हट कर जेल भेजू। ठाकुर धर्म सिंह कानून के शाल में फंस गया है, अरे आत्मेत करेगा के उसे जेल भेजूंगा। चलना तो था चंबल घाटी की तरफ, लेकिन वहां का प्लान कैंसिल है। अब तत्काल कस्बा तिलहर की तरफ पैगाम बढ़ाओ, ठाकुर धर्म सिंह के हाथों में हथकड़ी लगा के उसे जेल भेजा जा। ये है श्रवण कुमार, इसी रंदे खड़ा के रहने वाले हैं। ये 20 रुपए कलम मन हमें दे रहे, कहते भैया जल्दबाजी नहीं। भैया परेशान ना हो, आराम से नाच देखो, जल्दबाजी कुछ नहीं। धन्यवाद। घूट ढलक के नीचे उतरी, सारे जिस्म में करंट जैसा, ये नरेश नवा ठाकुर साहब, ये आपके शराब पीने के खुशी में 10 रुपए कलम बंद नाम दिया धनबाद। और मेरे अहबाब, मेरे अहबाब पीने से तोबा न कर, मेरे अहबाब पीने से तोबा न कर, ऐसा मौका दोबारा मिले ना मिले मेरे अहबाब। मेरे अहबाब पीने से तो बना करो, ऐसा मौका मिले ना मिले, जिंदगी मौत का ये सुहाना सफर। और जिंदगी मौत का ये सुहाना सफर, पीने का फिर बहाना मिले ना मिले। कुछ बोलो
रे जवा की तरफ से ये ठाकुर साहब सीन पे 10 रुपए दे रहे भाई साहब के घर में। हेलो, ये है संजय सिंह शान खड़ा कर रहने वाले हैं, ये ठाकुर साहब के सीन पे खुश होकर के 10 रुपए दे रहे धन्यवाद। हाथ में चाप ले करे मैं चलता हूँ जब और दिल में आता है जन्नत को चूम लूं इसे कोई फिर बहाना मिले ना मिले बहुत बढ़ गया अरे काबे और तेरा यादगार बात कर और काबू में रख और वरना ये कहीं और वरना ये कहीं अरे हाथ में ठंडा कर दूं तसल्म पर चल धर्म सिंह चला चाय और तू कर रहा किसी का नहीं दर्द है डाल कर हथकड़ी अल्लाह चलूंगा तुझे देखता कितना पहले आंखों सातों के धप्पी नजारे पहले तू देख अपनी कजा कितने इंसान को बेवतन कर दिया तेरे जैसे बहादुर अरे कतार को इस हवेली में कितना मत तोड़ना गले में दरारे फर जाएंगे रे ठाकुर दरारे गले में नहीं बल्कि दीवालों में पड़ती है तुझे नहीं मालूम है भला इसी में है कि हाथों में हथकड़ी पर या ठाकुर धर्म सिंह की हवेली नहीं बल्कि नेक शेर की गुफा है। हाँ। अरे यहाँ पर आने वाले इंसान के पैर के निशान पाए जाते हैं और जाने वाले इंसान के पैर के निशान नहीं पाए जाते। ठाकुर तेरे कहने का मतलब ये हवेली एक शेर की गुफा है। हाँ। आने वाले के पैर के निशान पाए जाते हैं। हाँ। मगर जाने वाले के नहीं लेकिन हम वो बला है आने के भी निशान पाए जाएंगे और जाने के भी। इसलिए तुम यहाँ से तुम दबा के छुपके से निकल जाओ अन्यथा भी मौत मारे जाओगे दरोगा। ठाकुर तुम हमारे पिता के उम्र के बराबर के हो इसलिए लिहाज करता हूँ बड़ा इसमें कि हाथों में हथकड़ी पहन लो। किस जुल्म में जाना चाहते हो? क्यों नहीं क्यों नहीं एक लड़की के साथ बलात्कार किया। बलात्कार बलात्कार करने के बाद उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया। बलात्कार का मतलब आए लिए भी होता है। फिर आखिर में कैसा क्या किया दिखाओ। थाना को काली हौज बनाऊंगा। चल पढ़ के देख ले क्या नाम है तेरा। इंस्पेक्टर शेखर श्रीवास्तव।
इंस्पेक्टर शेखर श्रीवास्तव तुम्हारे जैसे दरोगा जब थाने में ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, अरे आकर पहले हमारे चौखट के चौखट को चूम करके तब थाने में ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। वो इंसान कायर बुद्धिल हो गए जो तेरी चौखट के पैर चूमते हैं। देखता हूं तो कितना बहादुर है रे, साले तिरंगा जूते मारूंगा निकाल के भी। ओए चिबान संभाल के बात करना ठाकर। ठाकुर धर्म सिंह शांति देवी के साथ बप 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 बलात्कार बलात्कार करने के बाद उसे गोली से मार दिया। नौकर चाय लेके आओ, साहिब आए हैं। हमार दुई बैल और याक गाय इके ख्यातम चली गए, यह सार हमका बांध के मारी। सब भोसड़ी कहे गए गवार है जानवर भाई। बजा ताली दो सब बजा। नंगे ना करके नंगा कर दूंगा कपड़े। पूरे सारे तिरंगा आँखी क्यों बना रहा रे? हमार हम जैसे नौजवानों को अपनी हवेली में जिंदा दफन कर दिया भौसड़ी काला कुत्ता। वो जमींदारी थी तब थी, अब तो देश आजाद है, देश का हर प्राणी आजाद है, किसी का कोई मान सम्मान कर अन्यथा उसकी मर्जी। और तुम अभी जमींदारी दिखा रहे हो भोस। ए तभी के तो जब जमींदारी थी तभी का तो तमाशा है उल्लू के पट्ठो है। बस ये हमारे भैया श्री राम नखलाव के ड्राइवर जोकर मास्टर के लिए 10 रुपए भेजा कहा सारे 50 जूता मार। जब थाना जिले बन गए, थाना बन गए, कोतवाली बन गए, तहसीली बन गई, अभी जमींदारी दिखा रहे हो भोसड़ी। कुत्ता के थाना नहीं कहानी हौज नजर आएगा। हम जैसे जवानों को हवेली में जिंदा दफन करोगे, हम तुम दबा के निकल जाए चुपचाप भौसड़ी के कतरे बड़े कुत्ता हो साले कुत्ता। हमका हमका जूतन मरी हो साहब, आपका आर्डर मिल जाए इसको इसी दम खत्म कर दे। मेरा खून बाल फेंक रहा साला धर्मवीर सिंह बना घूम रहा बहुत। हेलो ये हमारे भैया महावीर, जहाँ कहीं भी हो ड्राइवर तो हमारे महावीर भाई को मिल ले। धन्यवाद। क्या खुजली हो गई तेरे दाद हो गया चौकीदार? चलो पेट्रोल निकालो। दाद कर दवाई पेट्रोल एक शीशी में दाद की दवाई है पेट्रोल ले गया। आने लगा मूर्छा, मूर्छा आने लगा। अब ही कहा सब कपड़ा उतारो तब हम मारा। सब कपड़ा उतारो तब मारा नंगे ना। इंस्पेक्टर श्री इंस्पेक्टर शेखर श्रीवास्तव, हाँ हथकड़ी पहनाने से पहले तो मेरी एक बात तो सुनते जाओ। बोलो क्या? 3 लाख कम है? 5 लाख है साहब, कभी कम है? कम है 10 लाख। हाँ तगार
कल अगर शेखर स्वेटर को खरीदने चलेगा तो तेरे हमेली में दौलत कम पड़ जाएगी। कैसा ना हो जाए कि तीसरा केस सिरे पर चढ़ जाए एक अधिकारी को रिश्वत देने का। इंस्पेक्टर शेखर श्रीवास्तव, जहेज का मतलब तुम रिश्वत के बागी और कानून के पुजारी हो ना? क्यों रे? तो पैदा होत कड़ी। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, तुमको हमारे बारे में शायद नहीं मालूम है। मैं रियासत तिलहर का जमींदार हूं। तो और अकेले नहीं बल्कि हमारे दो जाबाज बेटे हैं। जाबाज नहीं बल्कि शेर है वो, शेर नहीं बल्कि बब्बर शेर है। शेखर श्रीवास्तव फुरु, ये आवाज कहीं हमारे बड़े बेटे ठाकुर रघुवीर के कानों तक पहुंची तो तुम्हें जिंदा जलाएंगे। अरे जिंदा जलाएंगे, तुम्हारे चिता की उड़ती हुई धूल आसमान में नजर आएगी। छोटे बेटे का नाम ठाकुर तूफान सिंह है, तूफान जानेगा तो तूफान मचा देगा। अरे इस संसार में जिंदा नहीं रहोगे तुम। ठाकुर धर्म सिंह, पहले तुझसे निपटता हूँ, अच्छी दिन तेरे बेटे कानून के शिकंजे में फंस जाएंगे। अगर तेरा दोनों बेटों को शेर से चूहा ना बना दिया तो अपन का नाम इंस्पेक्टर शेखर श्रीवास्तव रखो।